हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिव्यू, अमेजोन पर प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लाएँ। अब मैंने क्या किया फ्रेंड, काफ़ी सारी वीडियो चेक करी यूट्यूब पर, हाउ टू गेट प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लाएँ। तो मैंने सारी वीडियो देखी और देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो ये है कि उन्होंने सब जेन्युइन तरीका बताया है। जेन्युइन तरीका एटलीस्ट मतलब अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा जाएगा किसी कस्टमर के पास और आप सारी चीज़ों को अच्छे से फुलफिल करके दे रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास पॉजिटिव रिव्यू आएंगे आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है दोस्त कि कस्टमर को क्या है, अगर कस्टमर ने अपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है उसको अगर थोड़ा सा भी कमी दिखेगा ना तो नेगेटिव रिव्यू तो डालने के लिए जरूर आएगा, बट अगर उसे अच्छा मिला है तो पॉजिटिव रिव्यू डालने के लिए बहुत कम ही लोग कस्टमर आते हैं। 100 में से 5 कस्टमर ही आपको पॉजिटिव रिव्यू देने आएंगे। बट आपने प्रोडक्ट अच्छा भी दिया, कस्टमर ने आपको रिव्यू भी नहीं किया, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि उस कस्टमर को आप एक रिमाइंडर मैसेज और ईमेल डाल सकते हो। अब ये ऑप्शन कहाँ से आता है ये जो नए सेलर हैं उनको पता नहीं होगा, या पुराने भी बहुत सारे काफ़ी ऐसे सेलर होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं होगी। तो ये बहुत सीक्रेट तरीका है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं वो। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू बढ़ाने के सही तरीके के अलावा अलावा कुछ गलत तरीके भी होते हैं। आप गलत तरीके से अगर आप रिव्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड कराते हैं आपको। उसमें बेनिफिट ये होता है कि गलत तरीका है बट ये गलत तरीका हम उस तरीके से नहीं करते कि आपको गलत तरीका लगे। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दूं मैं दोस्तों, हम यहाँ पे पेड रिव्यू भी करवाते हैं। अब पेड रिव्यू का सिस्टम मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो गलत तरीका होता है बट इसको इस तरीके से प्रोफेशनल वे में किया जाता है कि आपको ये गलत तरीका कभी अमेजोन ट्रैक नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके जो ऑर्डर लगेंगे अलग अलग स्टेट से अलग अलग कस्टमर से लगेंगे, तो उस केस में कभी भी कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि गलत या फेक रिव्यू लगाए गए हैं। ये ऐसी सर्विस अवेलेबल है, हर कोई यूज़ करता है बट रिवील करता नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके की पेड सर्विस चाहिए तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आइए तो हम आ जाते हैं पहले अमेजोन के अपने सेलर पैनल पे, ठीक है। अब ये हम अपने सेलर पैनल पे आ गए अमेजोन के, ठीक है। आपको क्या करना है, आप नॉर्मली आप ऑर्डर उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ला सकते हो, नॉर्मली आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे रिव्यू ला सकते हो या उन्हीं प्रोडक्ट पे रिव्यू के लिए लिंक भेज सकते हो जिस जो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो आपका, ठीक है। तो देखिए मैं आता हूँ ऑर्डर के सेक्शन में, ऑर्डर सेक्शन में आया, यहाँ आपको देखिए काफ़ी सारे ऑर्डर ऑर्डर सेक्शन में आने के बाद सेंट में जाना है, सेंट में जाने शिप ऑर्डर में आने के बाद आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं। देखिए ये सारे तो पिकअप हैं या आज के ऑर्डर जा रहे हैं मेरे क्लाइंट के, ठीक है। अभी देखना है आपको पुराने ऑर्डर्स देखना है जो ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए हैं, जैसे ये है डिलीवर टू बायर, डिलीवर टू बायर, ठीक है। और भी हम नीचे पीछे जाते हैं, मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ। पहले देखिए इस अब हमने इस ऑर्डर आईडी को ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे इस ऑर्डर आईडी को ओपन किया तो देखिए यहाँ ना राइट हैंड साइड में एक आपको एक ऑप्शन दिखता है रिक्वेस्ट रिव्यू का, मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। रिक्वेस्ट ए रिव्यू का ऑप्शन, ये बहुत सीक्रेट चीज़ है दोस्त, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी और इतनी यूट्यूब वीडियो देखी मैंने, किसी ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, शायद उनको भी ये चीज़ ना नहीं पता है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट रिव्यू पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्ट रिव्यू नॉट एलिजिबल एट दिस टाइम, यू कैन नॉट यूज दिस फीचर टू रिक्वेस्ट रिव्यू आउटसाइड द 5 डेज से 30 डेज रेंज आफ्टर द ऑर्डर डिलीवर्ड डेट। मतलब आपका ऑर्डर जब डिलीवर्ड हो जाता है उसके 5 दिन बाद और 30 दिन के अंदर ही आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, अगर आपने इससे पहले या इसके बाद किया तो आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर के सेक्शन में आना है, आपको अपना देखना है पुराना ऑर्डर जो डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है, जिसको डिलीवर्ड हुआ 5 डेज से अबव हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जैसे टू वीक एगो वाला है, मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लिया, मैंने ऑर्डर आईडी पे क्लिक करके ओपन किया। अब देखिए फ्रेंड, इसके राइट हैंड साइड पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे 5 डिलीवर्ड होने के 5 दिन बाद और 30 दिन के अंदर है, तो ये मुझे ये एक ऑप्शन शो हो रहा है। देखिए यहाँ साफ साफ टू ऑल आर यू श्योर यू वांट टू रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर दिस ऑर्डर, मतलब अब आपके पास एक ऑप्शन है, जिस कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया आप उस प्रोडक्ट का और वो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा भी मिला और कस्टमर ने उसके लिए रिव्यू नहीं किया,
अब यहां से अगर आपने इसको यस कर दिया, यस कर दिया, अब ये एक लिंक चला गया कस्टमर के पास। देखिए अब एक कस्टमर के पास लिंक चला गया, अब क्या करता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा मिला, कभी वो अपनी मेल चेक करता है तो उसे मेल में दिख जाता है रिक्वेस्ट, एक रिव्यू का उसको मिल जाएगा, तो क्या कहेगा, वो भी सोचेगा कस्टमर कि यार हाँ यार चलो प्रोडक्ट तो मुझे अच्छा मिला तो चलो रिव्यू कर ही देते हैं। मतलब बेसिकली आप एक तरफ से अपना एक रिमाइंडर मैसेज, एक ईमेल, एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, और इससे जेन्युइन 100% रिव्यू बढ़ते हैं कस्टमर के, आप सेलर्स के। ये आपको पता नहीं होगा, ये किसी ने ये ट्रिक बताई भी नहीं होगी, बट ये बहुत यूजफुल ट्रिक है अमेजोन में। ये मैं काफ़ी सालों से करता हुआ आया हूँ, मैंने काफ़ी क्लाइंटों के रिव्यू इसी तरीके से बढ़ाए हैं, और ये 100% जेन्युइन काम करता है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।